स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक पावलाव हैं, इनके विषय में पढ़ाऊंगी। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको थॉर्नडाइक के विषय में पढ़ा दिया है, उनके प्रयोग के विषय में पढ़ा दिया है और उनके कौन कौन से मुख्य नियम हैं उनके विषय में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी। आज इस वीडियो में मैं जो पावलाव हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी हैं और चिकित्सक भी हैं, उनके विषय में पढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, मैं बहुत ही छोटे वीडियो बनाती हूं जिससे आप कम समय में अधिक पढ़ सकें और मैं इसमें पूरी डिटेल भी आपको देती हूं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखते हैं पावलाव। पावलाव का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, हम उसके विषय में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं पावलाव कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने किस पर अपने प्रयोग किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवान पावलाव का पूरा नाम जो है वो है इवान पेट्रोविच पावलाव। ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि जो पावलाव है उनका पूरा नाम क्या है, तो उनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलाव। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक थे, अर्थात ये रूस के मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक दोनों ही थे। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्हें अपने इसी सिद्धांत के लिए, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसके लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया है। अब हम देखेंगे, अभी ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसे अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पावलाव का प्रयोग है वो प्रयोग क्या है। तो देखते हैं हम पावलाव का प्रयोग। इस प्रयोग में कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही कुत्ते की लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। पावलाव ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। इसके बाद उन्होंने कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे ही कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अर्थात लार बहाना, की। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया की। देखिए, पावलाव के इस प्रयोग में बताया है कि उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया और उस कुत्ते को रोज़ भोजन दिया जाता था। इसके बाद क्या करा उन्होंने, भोजन देने से पहले घंटी बजाने आरंभ कर दी। ये प्रतिदिन वो घंटी बजाते, उसके बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता। उसके पश्चात क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्होंने यह देखा कि जैसे ही घंटी बजती है और भोजन दिया जाता है, कुत्ते के मुँह में लार आने लगती है। फिर क्या हुआ, उन्होंने भोजन देने से पहले घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने यह देखा कि सिर्फ घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगे। तो यही उन्होंने बताया है कि कृत्रिम चीज़ के लिए भी, कृत्रिम उद्दीपक जो है उसके लिए भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही होती है। यही इनका सिद्धांत जो था, यही इनका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाया। अब हम देखते हैं, इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, वो कौन कौन से नाम है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नंबर दो, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। नंबर तीन, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसे यह भी कहा जाता है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और नंबर चार है क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं DLED प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय पढ़ाती हूँ, इसलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें।